I am not your typical, atypical. You gotta watch your energy, cause we were real reciprocals. Diamond so clear, shorty thought they was invisible. Bulletproof the vibe, butterflies when the money come to mind. Only money make me calm. It's the shit that make me numb. Only किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़हीर पट्टी ते मेरे नाल ने सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना मनदीप सिंह। अज एक नवी वीडियो लैके आए हैं जी, जिहदे च दस रहे ने कि फार्मर दी जिहड़ा उत्थे प्रोटेस्ट हो रहा है उहदे विच की हालात ने ते किवें किवें उत्थे दिन गुजर रहा है। वीडियो है जी स्कूप वूप दी ते वीडियो वाहवा लंबी है, लेकिन साथ जुड़े रहो ते वेखियो कि फार्मर प्रोटेस्ट दे विच ओरिजिनली हो की रहा है। हमें अभी अभी बहुत करीबी सूत्रों से पता चला है कि ये स्ट्रेच जो है 30-40 किलोमीटर लंबा हो गया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो 13 से 15 किलोमीटर बता रहा है, लग रहा है 30-40 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच हो गया है। तो आइए भाई थोड़ा राउंड मार के आते हैं, लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा देख के आते हैं कि आगे का मंजर कैसा है। यहाँ पे लंगर बट रहा है, लोग लड्डू बांट रहे हैं, लोग पानी बांट रहे हैं, तो एक सेवा भावना भी चल रही है यहाँ पे। फैमिली वाले भी आए हैं, फैमिली भी साथ आई है, परिवार भी लोगों के साथ आए हैं। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। इसमें लगभग कितने लोग सोएंगे रात में? बथेरे सोएंगे, 15-16 जने तो पहले भी कितने हैं, थोड़े ही करना है। अच्छा, मतलब एक्सटेंशन बोर्ड वोर्ड भी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, सब कुछ है, रोटी पानी पूरा सब कुछ। एक साल बैठना पड़े यहाँ पर, बैठेंगे। तो जो इग्नोरेंट लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि भाई प्रोटेस्ट का मामला जो है पंजाब हरियाणा में 2-4 महीने से चल रहा था। जून की तारीख में ऑर्डिनेंस एवं बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उससे दिक्कत है, उससे कुछ फियर्स हैं जो फार्मर्स व्यक्त कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कोशिश की कि मिनिस्ट्री में बात की जाए, मिनिस्ट्री में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा दी गई। नरेंद्र सिंह तोमर हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अगर किसी को ना पता हो तो जी न्यूज़ को पता है, जी न्यूज़ को बाइट देते रहते हैं, बाकी किसी के सामने भी नहीं आते हैं, फार्मर से बात करने का भी टाइम उनके पास नहीं है। एनीवे, बात याद रखने की है। अच्छा, जी न्यूज़ के एंकर आ रहे हैं, जी न्यूज़ के एंकर आ रहे हैं, ये बोलेंगे भाई खालिस्तान है, है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अभी बोलने वाले हैं, बिल्कुल 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 यही। यो मीडिया इज सो फेक, क्या दिखा रही है, जी न्यूज़ इज सो फेक, जेडी मैं शायद गलत गल दस्ती सड़क से भी पुलिस को ले लिया। देखो देखो देखो, सुनो 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 सुनो, ये क्या प्रोटेस्ट का डीएनए बता रहे हैं? परेशान कर दो, नहीं नहीं परेशान नहीं करना यार, वो भी अपनी नौकरी कर रहा है यार, ये परेशान नहीं। एनीवे, वो जो 3 बिल है उनके बारे में छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता रहूंगा। और ये प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली की सीमा पे, सिंघू बॉर्डर पे अभी हमें आपको जितने बॉर्डर दिखा पाएंगे उतने दिखाएंगे, टिकरी बॉर्डर पे भी बहुत एक्शन चल रहा है और गाजीपुर बॉर्डर पे भी। नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर फाड़ दिया है, पोस्टर फाड़ा मोदी का? आपने फाड़ा है? नहीं मैंने नहीं फाड़ा, आप लोगों ने? मैं पहले तेरे मुरे हीरो बनी जमा, मैं फाड़ा नहीं, हमने फाड़ा। इतना रिपब्लिक है जो किसान आया हुआ है, ये हमारे पास 10% जूस है, और इसमें 100% वाला भी बैठा है। लाइव चल रहा है? नहीं सर, लाइव नहीं आ रहा, ये एक दो दिन में आएगा इंटरनेट पे। आप बोले बोले है ना, वो बोलते हैं आप बरगाड़ी चले जाएं कहां जी, तो खड्डे किसके लिए खोदे? वो ट्रक खलो खला रहे हैं, वो खड्डा खोते हैं, सड़कें पुटी है, वो किसके लिए पुटी है? अफगानिस्तान से आ रहा है, इंडिया का किसान है, इंडिया का एक किसान है। बड़ा आपको लग रहा है कि आपके देश की सरकार है, उन्होंने जो आपके साथ व्यवहार किया, आपको लग रहा है? ना ना, हम 60 साल के हैं, मेरे ऊपर पानी अत्याचार किया, पानी पाके हंजू गैस पाके अत्याचार किया मेरे पर। किसी को ये बना देते हैं अरबन नक्सली, किसी को बनाते हैं एंटी नेशनल, जब जो अगर अब डॉक्टर्स ने अपना हक मांगा वो मिसगाइडेड है, स्टूडेंट्स ने हक मांगा वो मिसगाइडेड है, फार्मर्स ने हक मांगा वो मिसगाइडेड है, मतलब भारत की आधी पूरी आबादी मिसगाइडेड है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मिसगाइडेड है। सही कौन है? अब बात क्या है, बात ये है कि हमारे जो बिहार का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, यूपी का किसान है, वहाँ मंडी नहीं है, वो जैसे आपने उनको गरीब करके रखा हुआ है, उनको लताड़ा, वही चाहते हो पंजाब और हरियाणा का किसान भी वैसा बिगाड़ दें,
मतलब आप चाहते हो कि जो उनकी दुर्दशा है इनकी भी दुर्दशा करें। अब ये बोलते हैं हमारी दुर्दशा मत करो, तो ये मिसगाइडेड है, ये आतंकवादी हैं। एक बात सिंपल बता दीजिए, बिहार में 2006 में एपीएमसी हटी थी, मोनोपोली, सो कॉल्ड मोनोपोली हटी थी। बता दो कौन सा ऐसा पंजाब का किसान है जो चाहता है कि नहीं असी पंजाब की जमीन बेच के बिहार चलिए। अगर ये बात होती कि ओपन मार्केट से हिंदुस्तान की किसानी का हल होता तो आज बिहार से लोग पंजाब में नहीं आते, पंजाब वाले बोरी बिस्तर बन के असि बिहार जाते। क्यों भी गलत गल है। पहले की सरकारों ने हमें बीमार किया, मोदी ने हमें आईसीयू में डाल दिया, इतना ज्यादा खराब कर दिया है। और ये जो बोलना चाहता है कि इन तीनों किसानों से खुला बाजार आजादी दे रहा है, आजादी हमें छोटू राम ने दिलाई थी मंडियां लाकर, और ये हमें मंडियों से बाहर करके आजादी दे रहा है। यूएस के अंदर क्या कर दिया, यूएस की सारी किसानी इस ओपन मार्केट ने खराब की। बिहार में, यूपी में, पूरे इंडिया के अंदर आपको क्या हाल है, हमारी मंडियों में घास उग जाएगी, कचरा उग जाएगा अगर ये तीन बिल आगे। ये पूरी की पूरी एक पूरी साजिश है, ये पूरी जो किसानों को निकालना चाहते हैं खेती से, इनको अर्बन स्पेसेस में अच्छा चीप लेबर मिल जाए। हम दो महीने से आपको बता रहे हैं हमें नहीं पसंद है। आप लोगों को रियलिस्टिकली क्या लग रहा है, इसमें कितना टाइम लग सकता है? आप लोग अपना एक ये मोदी जी के ऊपर है, हम तो 6 महीने का राशन लेके आए हैं, यहाँ बैठेंगे खाएंगे, हमारी पिकनिक है, आ जाइए। आपका अच्छा चल रहा है, हम तो खेतों में भी यही करते हैं, हमें कौन सा डरते। ये जो इन्होंने खड्डे खोड़े हैं ये तो हमारा रोज का काम है, भरने का, हम रोज भरते हैं, रोज खोड़ते हैं। और ये हम तो ब्रश भी ट्यूबवेल से करते हैं, हमें वाटर कैनन कर रहेंगे। हमारे साथी पीछे से चल पड़े हैं, हमने यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना दिया है, 4 दिन हम 7 लोग रहेंगे, 4 दिन दूसरे 7 लोग रहेंगे, 4 दिन दूसरे 7 लोग रहेंगे, पीछे पूरे गांव से बारी बारी यहाँ आएंगे, ये मोर्चा खाली नहीं छोड़ेंगे। रोटेशन चलता रहेगा, चाहे चले महीना, चाहे चले 2 महीने, चाहे 6 महीने चले। हमने अपने आई कार्ड, वोट कार्ड ला के मीडिया के सामने दिखाया, हम हरियाणा से हैं, आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं, और ये हरामजादे बोलते हैं कि ये खाली पंजाब के लोग ड्रामा कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री के कहने के ऊपर। तो लोकल मीडिया भी है, पंजाबी मीडिया, हरियाणवी मीडिया, वो हरियाणा वाले जो हुक्का लेके बैठे थे उनका ग्रुप थोड़ा बड़ा हो गया है, चैनल वाले लाइव कर रहे हैं। हाँ, वो उसी ग्रुप में, हाँ, वो जवान लड़के बैठे हुक्का चला रहे, बीच में चैनल वाला घूम के बातें कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी मांगे हैं, हमारी भारत सरकार 3 कानून लेकर आई है एग्रीकल्चर के संबंध में, वो तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं, कॉरपोरेट के पक्ष में भुगतते हैं। इसके लिए हमारी ये मांग है कि ये कानून हर हाल में रद्द किए जाएं। मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं, तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पे जो आढ़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफ़र करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपये खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया, ही सर्विस प्रोवाइडर, ही इज़ नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप, बिचौलिए के दबाव में है क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं, आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। देखिए मेन मुद्दा क्या है, पार्लियामेंट में 3 बिल पास कर दिए,
हैं, मोटे मोटे नाम है, उनको थोड़ा छोटा करके अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बेसिकली एक ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है, एक प्राइस अश्योरेंस बिल है और एक है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, अब इन तीन बिलों से मोटी मोटी दिक्कतें इनको तीन चार हैं फार्मर्स को, जिन दिक्कतों को ये बहुत महीनों से बता रहे हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पुख्ता कदम नहीं उठा रहे जा रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो अब उनको जो इनकी एजिटेशन पंजाब में चल रही थी, हरियाणा में चल रही थी कुछ महीनों से, अब ये लोग दिल्ली आ गए हैं सरकार को बताने कि ये प्रेशर असली है और इन्हें दोबारा सोचना पड़ेगा इन बिल्स के बारे में। राइट, अभी और भी बताऊंगा बिल्स की दिक्कत क्या है, जैसे कि एमएसपी, जैसे कि अगर किसी कॉरपोरेट के साथ इनका अग्रीमेंट हो जाता है तो अगर वहाँ पेमेंट नहीं होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो एसडीएम के पास ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा कोर्ट वोट जाने का उस एक्ट में प्राविधान नहीं है। तीसरा, ये जो मंडियाँ हैं, जो एपीएमसी के अंडर जो मंडियाँ आती हैं, जो सरकारी मंडियाँ हैं जहाँ से एमएसपी प्राइस में सरकार प्रोड्यूस खरीदती है, उनको सिस्टमेटिकली तोड़ने का जो इरादा रखता है बिल, वो इरादा इन फार्मर्स का एक फियर में कन्वर्ट हो चुका है। और ठीक से बताऊंगा, अभी ठीक से नहीं बताया, एक फंबल था, लेकिन ठीक से इन बिल्स की दिक्कतें बताऊंगा, इन फार्मर्स के फियर्स बताऊंगा। अभी खैर आप लोग देख पा रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट चालू है और जोरों शोरों से चालू है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस तैनात है। सर आज टीयर गैस का कुछ है मूड, वाटर कैनन या नहीं? कभी नहीं था भाई, कभी नहीं मूड, कभी नहीं था लेकिन करना पड़ा। नहीं, हमने तो किया नहीं, टीयर गैस और वाटर कैनन चली है। मैं वहाँ नहीं था। अच्छा आप नहीं थे, आपने न्यूज भी नहीं देखी है? मैं मेरी बता, आप दिल्ली में नए नए आए लग रहा है। नहीं, जितेंद्र जी काफी टाइम हो गया। कितने टाइम से हैं दिल्ली पुलिस में? 14 साल। नौकरी ठीक चल रही है? थैंक यू। अच्छा सर, ये जो फिल्मों में दिल्ली पुलिस को दिखाते हैं, ये आपको ठीक लगता है या गलत है? जो फिल्मों में एक इमेज बनी हुई है पुलिस की, इंटरव्यू देने का मेरे पास कोई? अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। कैमरा हटाओ उनसे। पुलिस वालों से भी क्या है ना, बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट में क्या है ना भाई, हम सुनते थे बचपन में जय जवान जय किसान, मतलब हमारे तो पापा के बचपन का है, तो अब एक तरफ जवान है एक तरफ किसान है, दोनों को भिड़ा दिया है सरकार ने। ये मैं लाइन बहुत टाइम से बोलना चाह रहा था, क्योंकि इस लाइन में एकदम है अरविंद भाई, पता नहीं रखेंगे कि नहीं, मैं तो जब कंटेंट काटूंगा तो रख दूंगा, यहाँ रह लेंगे अगर किसानों के साथ तो एक फील आ जाएगी। क्यों सर, एक फील है यहाँ पे, एकदम पंजाब बस गया है। हंसे वो, लेकिन इसने पैन नहीं किया जो कैमरा पर्सन पार्ट है। इंदर मोदी जड़ा गदार प्रधानमंत्री है कोई? गदार हैगा, गदार। तो फिर उनका जो होम मिनिस्टर अमित शाह, उसके बारे में क्या? ओविन चल रहा है, इसको दुष्ट को ला दो, खत्म करो इसको। चंगा अच्छा प्रधानमंत्री ट्रूडो वर्गा ले आओ, ट्रंप वर्गा नहीं चाहिए, ट्रूडो वर्गा चाहिए, ट्रंप वर्गा नहीं आना चाहिए। ये सारे छड़े हुए आ जड़ा है गया दूजा इनू योगी भी छड़ा, मोदी भी छड़ा, जड़ा हरियाणा वाला मुख्यमंत्री की ओर नाम है खट्टर, वह भी छड़ा छड़ा, एक उधर जड़ा वो एक हो रहे सारे सारे ना ही जड़िया की अपना टोला रलिया साड़ा, इन्हों का ना कोई धी तो ना कोई पुत, इन्हों की पता कितना लोगों पालना तो कितना इन्हों गलबात करनी है। वेरी नाइस, इनमें से कोई ना कोई तो स्कूप उप देखता ही होगा, आई एम होपिंग। लोकल दुकानदारों का भी थोड़ा व्यापार बढ़ा होगा, कि वो पुलिस भी हैं फार्मर्स भी हैं, तो जैसे वो च्युइंगम सिगरेट बेच रहे हैं तो उनका भी व्यापार ऐसा होता रहता है, जहाँ पॉकेट्स बन जाती है ना प्रोटेस्ट की, जैसे पिछले साल शाहीन बाग में हमने देखा था, जहाँ भी एक काला कानून उसको बोल सकते हैं। खैर काला कानून बोलना मुझे लगता है कि वो भी रेसिज्म का ही एक पार्ट है, तो उसको काले रंग को बुरा बोलेंगे तो फिर वो भी एक दिक्कत हो जाती है। खैर उस पे हम बाद में एक वीडियो बना देंगे। एनीवे इतना नहीं हंसना चाहिए भाई, प्रोटेस्ट साइड चल रही है, वाटर कैनन टीयर गैस है, इतना क्यों हंस रहा हूँ मैं। राइट, कंट्रोल व्हीकल का शॉट दिखाइए प्लीज़, जिसमें कि फीमेल ऑफिसर की फोटो है, तो रिप्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखा गया है। वेरी नाइस, जेंडर रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। मोबाइल पुलिस पिकेट भी है, और ये गाड़ी जिसमें वाटर कैनन होता है ना, वो ये गाड़ी है। वाह वाह वाह, ये है वो भूमि जहाँ पे हमने दो दिन पहले परसों और तरसों देखा, ये बैरिकेड है, ये दिखाओ कैमरा पर्सन पार्ट, ये जो बैरिकेड है, ये जो बार्ब्ड वायर और बैरिकेड लगा है, ये जो ये स्टील के वायर हैं और ये बैरिकेड और ये पत्थर का बैरिकेड, यहीं पे टीयर गैस और वाटर कैनन की जो शेलिंग हुई, ध्यान से कैमरा पर्सन बात, पीछे बैरिकेड है, आप भिड़ जाएंगे उसमें। एनीवे तो जो वाटर कैनन और टीयर गैस की शेलिंग हुई वो यहीं था, ये हरियाणा आ जाता है, वो दिल्ली है,
ऐसा एक बीच में बैरिकेड के थ्रू बॉर्डर डिमार्केशन कर रहा है। ये सिंगू बॉर्डर है, यहाँ पे ये लोग 3-4 दिन से, ये वाले जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे मेन जीटी करनाल रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे जो रोड ब्लॉक हुई है वो अभी अभी लोग आए हैं, वो जत्था मोगे से, तरन ताल से, अमृतसर से लोग आए हैं, तो वहाँ थोड़ी एग्जुबरेंट एनर्जी है। इधर भी स्टेज वेज लगी हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे कवर कर रहा है 2-3 दिन से, तो अब देखते हैं कि उनके आने से इनकी एनर्जी भी बढ़ी होगी, राइट सर। अभी पता क्या है, हाँ। अभी सिर्फ 2% बंदे भी नहीं आए, हाँ। 2% बंदे भी नहीं आए अभी, और आने मेरे गांव से सिर्फ 5 बंदे आए मोहाली से, 5 हाँ। बंदे, इतने इतने बंदे आ रहे हैं, 5-10 वो है ना शिफ्टिंग में चलेंगे। अच्छा, रोटेशन चलती रहेगी। अभी हम 4 दिन यहाँ लगाएंगे, बंदे और ऐड हो जाएंगे, हम घर जाएंगे। कितने दिन है आपका, कितने दिन रुकोगे? जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे। एक बार कैमरा में देख के बोलो मोदी जी मान जाओ। अरे मोदी जी मान जाओ, अपने दिल की मान जाओ, बात सुनो। अगर नहीं माने तो क्या है भाई, हम खड़े हैं, खड़े हैं, मना लेंगे। एक बार कैमरा में देख के बोलो मोदी जी मान जाओ ना, मोदी जी मान जाओ। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब एक साथ खड़े हैं। ज्यादा जवानी है, ज्यादा जवानी है, हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, यूथ है, यूथ आ गया, एक यूथ पंजाब का यूथ है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। जितने मर्जी किसान ले जावे, जो मर्जी करे, ते मैं तसरा चोना, साथे पंजाब दे वे, हर चीज हुंदी आ, असीं तां जो मर्जी बीज के जितने मर्जी लेके जावांगे, पर साढ़े ते कुछ चीजां दे पाबंदियां वा। बैठ जाओ आराम से, थक गए, सुबह से शूट कर रहे हैं। गचक नहीं नहीं खाओ खाओ आप खाओ, मैं तो मास्क पहना हुआ है, मास्क बांधा हुआ है, फिर वो खोलना पड़ेगा। डरता क्यों कोरोना से, है ही नहीं है जब। मैं ना सोचता हूँ मेरे को तो ठीक है, लेकिन जिनके साथ मैं रहता हूँ उनको ना हो जाए मेरे जरिए, क्योंकि है ही नहीं है, होना कहाँ से। मम्मी पापा देखो कितना सारा पंजाब से 5 लाख बंदा आया, कोरोना कोरोना तो सारे खांस खांस ना मर जाते। ये बात भी ठीक है, खांस खांस के मर जाते, लेकिन मेरे मम्मी पापा को हो गया एक्चुअली। आप कहाँ से आए हो? पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? अमृतसर से आए। अमृतसर अभी आयो? अभी आए। कितना टाइम लगा? हम स्टे करते आए, आते तो थोड़ा समय लगता है, ट्रेन में चाली के जब आए हैं साथ। तो रास्ते में किसी ने खाना पानी प्रोवाइड करवा रहे थे लोग, हैं? तो एक वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये किसान नहीं है, बिचौली है। कहने से क्या कोई सच बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 0% सच्चाई है। कहने को तो मोदी को भगवान बता देते हैं, है चाय बेचने वाले भगवान होते हैं। ऐसी परसेप्शन तो बना दी है, प्रधानमंत्री भगवान है। नहीं ऐसा होता नहीं है ना, चूतिए लोग है जो उसको भगवान मानते हैं। नहीं वो ये बोल रहे हैं कि ये लोग इतने अमीर हैं किसान नहीं हो सकते, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, उस पे आप क्या जवाब देंगे? सर ये हमारी जमीन, जब पाकिस्तान से आए थे शुरू में, जिस 1947 में आन के सर टिब्बे होते हैं जैसे बड़े बड़े, उनको सीधा करा, उनको सीधा करा, उसके बाद अपनी जमीन बनाई, उसमें खेती करी, उसको बेचा अपनी मेहनत से। तो सर आज उनके पास पैसा है तो उनकी अपनी मेहनत से आए, ये कोई सरकारों ने थोड़ी दिया है। इन्होंने बोला था 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। सर दुगनी का तो पता नहीं, बोला था इन्होंने। सर दुगनी का तो मेरे को पता नहीं, आधी हो जाएगी, आधी से भी कम रह जाएगी, कुछ रहेगी नहीं। सही, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। सर प्रतीक सियाल, वॉशिंगटन, आई एम कमिंग हियर टू जॉइन द प्रोटेस्ट एंड माय ग्रैंडपा इज देयर, सो दैट्स व्हाई। ग्रैंडपा इधर आए हुए हैं? उनकी क्या एज है? इट्स 75, इट्स 85 अराउंड। तो ये नोट एग्जैक्ट द एज। अब इसको काउंटर करो, ये लोग बोलेंगे, जो ऑडियंस है वो बोलेगी जी यार देखो इतना अमीर आदमी है, उसने अपने पोते को सिएटल भेजा हुआ है जी, वो किसान इतना अमीर हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं देखिए, हाँ। संदेश मैं आपको इसी के बारे में बात बताता हूँ। देखिए वो एक खेत से, मेरे पिताजी हैं, हाँ। और दादाजी, उन्होंने मेहनत करके मुझे वहाँ पहुँचा है। आई एम फ्रॉम द मिडिल क्लास, नॉट हैविंग सम काइंड ऑफ यू नो लग्जरी ब्रांड और काइंड ऑफ, नो माई डैड वर्क हार्ड अ लॉट, दैट्स व्हाई वी आर। अब सारे IAS IPS हैं, वो तो अमीर ऐसे थोड़ी कि वो अमीर पैदा हुए और अमीर बन गए। उन्होंने मेहनत से बने हैं और मेहनत से करे, जब भी आज वो उस पोस्ट पे हैं। ट्रांसक्रिप्टेड देखते हो? ऑफ कोर्स, मैन आई एम फैन ऑफ योर। ट्रांसक्रिप्टेड क्यों देखते हो? ऐसा क्या खास है हम लोगों में? सार्केज्म प्लस सीरियसनेस, राइट? सार्केज्म है एक पॉइंट तक, इंफॉर्मेशन भी मिलती है ना, दैट्स कूल, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, राइट? दैट्स व्हाई वी आर वाचिंग। आप क्या चाहते हो, जो हम वीडियो बना रहे हैं प्रोटेस्ट, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें आपकी वीडियो में क्या होना चाहिए? राइट,
रियल इशू लिटिल बिट और सार्केज्म के साथ एज वी डू नॉर्मली आई मीन कोई चेंज नहीं कोई अमेंडमेंट नहीं यू डू सम बेस्ट वीडियोस इन बिहार एंड एवरीथिंग थैंक यू सो मच बिहार वाली वीडियो में अच्छी लगी ओ कम ऑन मैन वी वॉच एवरी वीडियो ठंड बढ़ने को है हमने भी स्वेटर पहन लिया है अब इस ठंड में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं कैसे कोप अप कर रहे हैं किसान इतनी ठंड के साथ वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा हम भी यही निश्चय करके आए कि भाई रात भर 11-12 बजे तक तो यहीं रहेंगे देखेंगे कैसे कोप अप कर रहे हैं ये फार्मर्स जो कि ओपन में ही भले ही ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर लेकिन वो कोई सील्ड नहीं है वो ठंड अंदर आती रहेगी इट इज़ लाइक स्लीपिंग इन आउटडोर बस गद्दे पे तो देखते हैं कैसे कोप अप कर रहे हैं यार वाह जी वाह बाबा जी कहाँ से आए हो आप तुसी कितों आए हो पटियाला तो लगभग कितने लोगों का खाना अभी आप खिलाओगे कितने लोगों को जितना मर्जी खाओ जितना मर्जी चाहे सारी रात चली जावे सारी रात खाएंगे आप लास्ट में खाओगे हाँ आज क्या है ये तो लंगर है एक ट्राइब का है ना ये बाबे नानक का लंगर है तो फिर ये साडा लंगर कोई नहीं है नहीं बाबे नानक का लंगर हाँ तो लंगर में क्या क्या है आज अरदास करके हक्के है अच्छा जितना जर चलेगा उतना जर चलाएंगे अच्छा हाँ जितना जर लोग खाएंगे तो इसका राशन आप लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन से किया है हाँ हाँ ये करना ये नहीं भी कर देना है अच्छा छह महीने का राशन एक एक ट्राली में पे आप लोग लाए हो हाँ अपने पॉकेट से हाँ अपने अपने पैसे हाँ हाँ तो उसी से आप लंगर की सेवा भी कर रहे हो हाँ सेवा भी करनी है बाकी सेवा करनी है ये है थोड़ा भी अजे बागे इतना ही नहीं पता भी कितना भी चिर काम चल रहा जिन्हें चिर मानता नहीं उन्ना चिरे चलावांगे काम मतलब ये सेवा भावना प्रोटेस्ट में भी जरूरी है हाँ बाकी बंदे साडे आई जानगे जाई जानगे अच्छा गाय दे कलाइयां बढ़ते ने बंदे अच्छा अजे 3 लाख ट्रैक्टर होर आना है 3 लाख ट्रैक्टर होर आने ने हाँ अच्छा डालते जाई आप डालते हैं ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्पॉट्स पे इस 15-20 किलोमीटर के स्ट्रेच पे अलग अलग स्पॉट्स पे लंगर बट रहा है लगभग कितने लोगों का लंगर बनाया है संग जी चल रही है बस पका रही है ला रही है बना रही है अच्छा नहीं हाँ। तो आपको कोई काउंटिंग होगी लगभग कितने लोगों का लंगर है ये कोई अंताकार जी नहीं भी कितना खा जाएगा मतलब साहब जी ना पाओ भाई मतलब अच्छे है उधर तंग मतलब 8,000-10,000 कितने बात ठीक है आपा मान साहब जी बंद कर दो 8,000-10,000 लगभग कितने होने ने 8,000-10,000 ना 15,000 बंदा हां खा जाएगा पक्की बात हां पक्की बात है आप कितने बजे खाओगे आप जब लास्ट को दाल दे दीजिए लास्ट आप लास्ट में खाओगे हां वेरी नाइस जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ खाना प्रोवाइड करना या मेडिकल एड प्रोवाइड करना खालसा एड के लोग काम करते हैं या और भी सिख कम्युनिटी के और ऑर्गेनाइजेशन हैं वो काम करती है तो यहाँ पे जब उनका खुद का प्रोटेस्ट है जब वो खुद इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वो एक सेवा भावना वो एक वॉलंटरी सर्विस टूवर्ड्स द कम्युनिटी वो बहुत ज़्यादा इस इलाके की फील में है और जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे आपको शायद वो नहीं दिखेगा पर वो पूरी फील अभी इस वक्त शाम में तो खासकर जहाँ जगह जगह चेक पॉइंट्स पे लंगर बांटने की सेवा चल रही है वहाँ बिल्कुल ये फील एयर में है मतलब इट इज़ पैल्पेबल हमारे पास जो हमारा दूध है ना 20 रुपये किलो बिकता है किसी का 40 रुपये बिकता है बिसलेरी की पानी की बोतल कितनी है इतनी है 30 रुपये में बिकती है फिर हम गरीब हुए या कंपनी वाले अमीर हुए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है हम कमा कर भी अपना मूल नहीं मिल रहा हमें पूरा नहीं मिल रहा आप एक बात हो आप बेचते हो सस्ता मार्केट में मिलता है बिल्कुल अभी मक्की का आटा लेस मॉल में 150 रुपए मिल रहा है हमारी मक्की बिक रही है 7 रुपए किलो और बिक रहा है आटा हमारे यहाँ मिलता है 20 रुपए किलो वाली मक्की का आटा आज की बात है आप फेसबुक यूज करते हो वहाँ पे एक वीडियो घूम रही है वो एक सरदार जी किसान सरदार किसान है वो आपको वीडियो दिखेगी उसमें 7 रुपए से खरीदी हुई मक्की आपको उसका आटा 150 रुपए किलो के भाव से मिलेगा इसी एक बंदे ने कुछ बोल दिया कि हमने ऐसा किया वैसा किया ठीक है बस वो एक को पकड़ कर जी न्यूज ने आज तक ने उसको गोदी मीडिया है मेरे पास वो तो वो ही बोलेगा जो मोदी बोलेगा मैं ये देख रहा हूँ इस प्रोटेस्ट में लंगर भी बढ़ रहा है एक सेवा भावना है इस प्रोटेस्ट सर बात एक छोटी सी बात है अभी यहाँ दो लेडीज खड़ी थी वो
वो स्टडी के लिए कुछ आई थी, उन लोगों ने शाहीन बाग में भी कुछ स्टडी का करा था, तो यहाँ पर वो आए थे कि आपके साथ बच्चे भी आए हैं, लेडीज भी आए हैं। मैंने उनसे एक ही सवाल करा, अरे भाई अंधेरा हो चुका है, हम इतने उग्रवादी आतंकवादी आपके आसपास खड़े हैं, अब दो लेडीज अकेली हैं। वो कहने लगी सर आपकी ये पगड़ी देखकर दाढ़ी देखकर हमें डर नहीं लग रहा। ये ना जो इतना आंदोलन आया है ये शायद कम भी हो जाता सर, हाँ। इसका कारण मैंने है, बताइए हम धन्यवाद करते हैं मोदी का, हाँ। और खट्टर का, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें चैलेंज कर दिया, विरोध किया, हमें विरोध कर दिया। वो कहते हैं आप हमारा बैरियर उखाड़ के दिखाओ, जो किसान है ना हम सब कुछ सह लेंगे, हम गरीबी भी काट लेंगे, तकलीफ भी काट लेंगे, कुछ भी काट लेंगे, पर असी मेरी गल सुन ले, किसी चैलेंज एक्सेप्ट करने में देर नहीं लाते। हम तो बॉर्डर पे बैठेंगे, जब तक बैठेंगे 2024 तक हम वेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ना पीछे जो हमारे जो हमारे भाई हैं किसान, हर गांव में हमने एक एक 11 मेंबरी कमेटी बनाई हुई है, वही हमारे खेत की फसल को पानी लगाएंगे, वही हमारे जो भी घर का खर्चा सब वही करेंगे, वहाँ पे सारा आप लोग ऑर्गेनाइज करके आए हो, वो हमें हर कोई करके आए। एक बात और, हमें हर रोज ना सुबह 7 बजे न्यूज़पेपर हमारे पास आ जाता है पंजाब का, कैसे हमारे बंदे दे रहे हैं, भेज रहे हैं, आपको दिखा भी सकते हैं, कल आज सुबह 7 आपको दिखा देंगे, बिल्कुल। हर रोज ट्रिब्यून, अजीत, जगबानी हर के पास आ रहा है, ये खड़े पूछ लो। फिर हमारे पास उन्होंने बोला है, हमारा अपडेट रोज हो रहा है, व्हाट्सएप से वीडियो कॉल होती है कि आपके पास खाना कितना रह गया, हमारे पास सब खाना ताजा आ रहा है, वहाँ से पूछ रहे हैं कि खाना कितना रह गया, और सप्लाई आएगा। बोल रहे कोई, वो बोल रहे आप आंदोलन करो, लड़ो, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट है, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ऐसे होना चाहिए, किसान एकता, मजदूर एकता, जिंदाबाद, हम किसी से नहीं घबराएंगे। मोदी तेरी पटती बोधी लेबर के तौर पर काम करते? नहीं नहीं जी, लेबर के तौर पर नहीं करते, हम ऐसे ही सेवा करने के लिए आए। सेवा करने आए? हाँ जी। यार कितने बढ़िया आदमी है, आपका नाम क्या? राम प्रवेश यादव। ये सही हो रहा है ना जो कर रहे हैं किसान लोग? ये तो सही कर रहा है जी, वैसे हम भी किसान हैं, हमारा भी घर बिहार में है, हम भी किसान हैं। कितने टाइम के लिए तैयार हैं आप यहाँ रहने? कम से कम 2-2.5 महीने के लिए। तो बिहार के किसान में और पंजाब के किसान में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी, जैसे कि अब हमारे बिहार में भी वही हो रहा है, जो हमारे बिहार में क्या है, अभी भी हम लोगों को अभी भी हम लोगों को धान क्या है 800 का क्विंटल है, पंजाब में 1900 का क्विंटल बिक रहा है, डबल से भी ज्यादा, और वही हाल होने वाला है पंजाब में भी। हम लोग लेबर भाग के काम करने के लिए यहाँ आए, जो यही हाल यहाँ भी हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वहाँ से तो एक भाग के यहाँ काम करने के लिए आए, और यहाँ भी वही हाल हो जाएगा। क्यों हुआ है बिहार में? क्योंकि वहाँ मंडी खत्म की गई है। मंडी है ही नहीं सर, मंडी है ही नहीं वहाँ, मंडी खत्म है, बिल्कुल खुला व्यापारी खरीदता है लोग। जैसे खुला, किसी को 2000 की खाद के लिए ज़रूरत है, किसी को दवा के लिए ज़रूरत है, अब वो हम बेचेंगे जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से बेचेंगे, तो 6 महीना में हमको पैसा आएगा। अरे बाप, और हमें पैसा अभी चाहिए, वो व्यापारी लोगों का भी पैसा, मतलब पूरा सिस्टम ऐसा बना दिए कि व्यापारियों का फायदा हो। व्यापारियों का ही फायदा है जी, हम लोग तो किसान मन के छोटा, मान लो छोटा किसान है जो दो बीघा एक बीघा जमीन है, उसको खाद के लिए चाहिए, बीज के लिए चाहिए, जो बिहार में हुआ वही पंजाब में वही होने वाला है, और हम लोग भाग के यहाँ आए काम करने के लिए, जो यही हाल पंजाब में भी हो जाएगा, हम लोग कहाँ काम करने के लिए जाएंगे? लेबर इतना भाग के पंजाब में आ रहा है, वहाँ से बुरी हाल है यहाँ काम करने, और यहाँ भी यही हाल हो जाएगा, आदमी कहाँ जाएगा? दिखाइए सर क्या क्या राशन आया है। ये देखिए आपकी तरफ कुछ कुछ गिनाओगे, आटा कितना, चावल कितना, कुछ बताओ। ये देखिए आटा 10 बोरियाँ, 1 बोरी 50 केजी, 300 किलो आटा है यहाँ पे, 500 केजी इस ट्रक में, हाँ 500 किलो आटा है, हाँ 500 किलो आटा है, एक 50 किलो चावल, हाँ 40 किलो दालें, ठीक है, और ये मसाले सभी वगैरह, हाँ। पानी 15 पेटी पानी का है, 15 पेटी, एक पेटी में पानी, हाँ। कितना होता है? एक पेटी में 15-18 हाँ। बोतलें होगी, तो वो किनली का सभी पानी वगैरह। और ऐसे ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली कितने होंगे यहाँ पे इस पूरे प्रोटेस्ट में? हजारों, माय गुडनेस, हजारों होंगे। अरे हर ट्रॉली में आपको इतना राशन मिलेगा, हर ट्राली में आपको। तो ये आपका कितने दिन चलने वाला है? और भी आता रहेगा? 6 महीने चलेगा, चलेगा। एक दिन छोड़ के हमारे गांव से गाड़ी आएगी, वो पूछते हैं कौन कोई चीज की कमी हो तो, हाँ गांव से हम बता देते हैं, अब आए, अब गाड़ी गई है हमारी गांव को, कल को आएगी। हाँ देखो, जिस हमारा राशन देगा, धनिया हो गया, मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और सामान, घी,
सारा सामान। आ देखो दाल, छोले की दाल, चने हो गए, हाँ चने, चकला बेड़ना, हमारे चकला बेड़ना भी आया है, हाँ बेड़ना भी है हमारे पास। वाह जी वाह, मैं भी ठोकूंगा मोती को, मोती को भी ठोकूंगा, अमित चैन भी ठोको। हमारे गांव से दूध आ रहा है जी सर, जो 10 क्विंटल आएगा सब जो संगत को बरताया जाएगा, दूध भी आएगा कल, और दूध आ रहा है सब, हाँ, और पंजीरी बनाकर 10 पीपे पंजीरी के आ रहे हैं, जो देसी पंजीरी, हाँ हमारे गांव में बनती है, 10 पीपे। गुड़ भी ले आए पंजाब से, गुड़ भी आ, देखो आप खा, मिठा करो मुँह, मीठा मुँह करो, पंजाब से गुड़ अंदर कैसे जाएगा, ये खुलेगा नहीं ज्यादा। हां जी, पनीर दिखाओ, पनीर दिखाओ यार, पनीर इसमें पाओ, मटर पनीर है, हां मटर पनीर, हां सर अभी तो मांस का अभी नहीं खा पाऊंगा, खाओ खाओ, ये देखो, आ देखो, हां वो पनीर है, फ्रेश 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 अभी अभी हमने है भाई, इसमें पाओ, आपने बनाया, हां हां आपने बनाया, देखो वो मोती ने बनाया, वो मोती ने बनाया, खा के देखो, हां इसका नहीं नहीं अब चेक सेकंड सर, ये उतारना पड़ेगा मेरे को, तो मैं चल ठीक है, ओके देखो देखती है, मजा आ गया, हाँ मजा आ गया, सारे खा लो, ऐसा खाना मिले तो भाई आदमी 6 महीने, यहाँ पर खाना खाने जाना है, खाना खाने जाना बड़ा ठीक है, यहीं पे खा लेंगे, कोई नहीं आप प्यार से खिलाओगे तो खा लेंगे, ठीक है यहीं खाते हैं, जाओ जाओ आप प्लेट खाली करो, खाली कर दो प्लेट, खाली करो इसको, मैं खा के जाऊंगा, मैं खा के जाऊंगा, सारा चीज बात, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगा, अब मैं खाऊंगा, अब मैं खाऊंगा, मैं अच्छे से खाऊंगा, थैंक यू सर, चलो अब मैं खा रहा हूँ। अरे शादी भी हो रही है बीच में, हमारी बात नहीं मानेगा, शादी नहीं करूंगा, उसका सिरा लगा हुआ है, देखो हमारा ड्यूटी ये लग गया दूध, 5 क्विंटल दूध सुबह 12 बजे टूटते हैं, रोज आता है, रोज आता है 5 क्विंटल डेली आ रहा है, चंडीगढ़ से एक यूनियन लेकर आती है, और पता नहीं कितनी लेकर आती, सब यूनियन लोग ख्याल रख रहे हैं, तो लंबी चलेगी लड़ाई, लंबी, हां जी हां, देखो जी ये चंडीगढ़ गुरुद्वारा 44 सेक्टर, अच्छा उठो तो दूध ले गए, ये रोज दूध आ रहा है, डेली 5 क्विंटल, माय गुडनेस, वापस करना पड़ता है हमारे, अभी अभी दूध पड़ा है गाड़ी में, यहाँ से दूर है, अच्छा हमारे कोई दूध ले नहीं रहा यार, गड्डियां भर रही है, अच्छा गड्डियां भर रही है, भी दूध ले लो, दूध ले लो, बोल कर आए वहाँ, अच्छा भी हमारे पास दूध बचा हुआ 50 किलो, भी वो तुम ले जाओ जी, उन्होंने हम नंबर दिया सर, यहाँ यहाँ फ्रिज वगैरह की सुविधा भी है कि वो नहीं है, नहीं फ्रिज हम लोड़े दी, अभी बर्फ पा के ले आने ना, अच्छा बर्फ आइस बॉक्स साडे पे फ्रिज ही का हैगा, हां फ्रिज छतरी है, हां ओदे पर उतर रख दिया, क्या 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 एक्सप्लेन करिए, क्या क्या बोल रहे, वो ट्रैक्टर दी छतरी है जी, हां वो जेडी छतरी ना ट्रैक्टर, हां हां ओदे पर रख देने, अच्छा गर्म करके ना नुदा ओदे रख देना, अच्छा तो वोट वो वहां पे ठंडा रहता है, हां बाली आएगी ना एक बारी फिर खराब नहीं होगा, ये फिजिक्स है, वंडरफुल सर, ये फिजिक्स ऐसे है ना, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਹੱਥ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਬੜੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੀਂਦੇ ਮੋਟਰ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰ ਸਲੈਂਸਰ ਪਰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। भारत की सरकार भारत के किसानों पे वाटर कैनन और आंसू गैस चला रही है, तो भारत के किसान को तो दर्द होता होगा ना, ये जान के और ये देख के और ये महसूस कर, बड़ा दुख होता है जी, बहुत ज्यादा दुख होता है, हमारे साथ वादा किया गया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान को कर्जा मुक्त करेंगे, ये उल्टा हमें अंशु गैस के गोले दाग रहे हैं, हमारे डबल करेंगे, हाँ 2022 इनकम डबल करेंगे, डबल करेंगे, बीच में बोलो, अभी ऐसे देखे हम पे लाठियां बांध रहे हैं, ये अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा अपना एक प्राइम मिनिस्टर होता है किसी देश का, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, बिल्कुल लड़ रहे हैं जी, हमने इसको वोट दिया है, इसने हमसे झूठ बोला, हमने इसको वोट डाल लिया, ये कांग्रेसी बता रहा है ना,
कांग्रेसी कोई नहीं है यहाँ पे, इसी को वोट दी है, अगर वोट दी है तभी तो जीता है। सही बात है। आवाज वोट लेके कभी कांग्रेसी बताता है कभी कुछ बताता है, कोई तो खालिस्तानी भी बोल रहा है। आप देखो आप यहाँ पे हो एकदम शांत, पूरा मुआयना किया है, कोई खालिस्तान मांग रहा है यहाँ पे? रात के 12:30 हो चुके हैं, सब अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में जो सो पा रहा है वो ट्रैक्टर ट्रॉली में सो रहा है, जो ज़मीन पे जिनका इंतज़ाम है वो ज़मीन पे ही गद्दे या पराली बिछा के सो रहे हैं। दिखाएंगे आपको कैमरा पर्सन पार्थ, एक लंबा, जैसे कि मैं सुबह से बता रहा हूँ, एक लंबा 5 से 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ अब बेसिकली देयर इज दिस काम बिफोर द स्टॉर्म में भी, बट देयर इज दिस काम, अभी सब सो रहे हैं, एवरीवन इज रेस्टिंग। कल गुरुपूरब है तो सबका मानना ये है कि एक खास टाइप की सेलिब्रेशन होगी यहाँ पे, पर सब मतलब फुल इंतज़ाम के साथ, सिर्फ राशन नहीं है, सोने का इंतज़ाम, ओढ़ने का इंतज़ाम एकदम। अभी टेम्परेचर कितना होगा? इट मस्ट बी 9-10 degrees राइट नाउ, उससे भी शायद कम होगा, जैसे ज़मीन पे भी सो रहे हैं लोग। ये दिखाओ ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे ज़मीन पे, सड़क पे गद्दा बिछा के रजाई ओढ़ के लोग सो रहे हैं। ये है भारत का किसान, ये है भारत का अन्नदाता। ये पूरा एक लंबा स्ट्रेच है जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोग सो रहे हैं अभी, वो एक मेले वाली फील है यहाँ पे, जो छोटे शहर और छोटे कस्बों को जानते हैं यहाँ पे एक मेले वाली फील है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पंजाब हरियाणा राजस्थान यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके आ गए हैं। पूरी लंबी लाइन जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली आई और जुड़ते जा रहे हैं, रोज जुड़ते जा रहे हैं। आज भी अमृतसर से मोगे से लोग आए हैं और इनके जत्थे में ऐड हो गए हैं। दिस इज ओवरवेलमिंग, दिस इज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग है यहाँ पे। ध्यान से कैमरा पर्सन पार्थ, सारा इंतजाम है, सीढ़ियां भी लगाई हुई हैं उन्होंने। ये देखो देखो कैमरा पर्सन पार्थ, ये जरूर दिखाओ, यहाँ पे ये सीढ़ियां भी लगाई हुई हैं। सब पानी खाना सब इंतजाम है, इलेक्ट्रिसिटी भी अंदर सबकी ट्रैक्टर ट्रॉली में। अब रात के 12:30 बज रहे हैं, अब मुझे लगता है यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। आज पूरा दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट देखा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखी हमें यहाँ पे। हाँ जी मनदीप भाई, गल्लां तो सचियां ने हैं, जो हो रहा राइट जा रहा है, सही गल है, गल कीती है उचोलपणे दी, आरती दी सुनाओ गल। आरती है ऐसी चीज होंदी है जे किसान ने, मैं ही किसान, मैनू खेती करनी है, पहले बीज भी पैसे लेने ने, आरती को जाऊंगा तो पैसे फड़ांगा, बीज पावांगा, फिर ब्याह आ गया, किसी फंक्शन आ गया, कितने जाना, पैसा नहीं है, आरती को उतो लाँगे, फिर कहीं 6 महीने फसल दीती जड़ा रहा कहता पैसा मिल जाएगा सानू, वह चीज होंगे आरती है। जे आरती नहीं होएगा किसान की करेगा, जो आरती नहीं होएगा मिडल मैन उन्हों को चीज़, यानी अपनी फसल, मतलब फसल थोड़ी ये साल बाद आनी है, 15 दिन बाद आनी, तुम पहले ही उसको पैसे ले लो अगर तुम्हें जरूरत है, तो
ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਭ ਘੱਤੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਟੂਲ ਤੇ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ, ਸਹੀ 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਐ ਦੇਖੋ, 3 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਗਿਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੁਕਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਸਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ 100 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਵੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੰਪੈਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਨੋਟ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿੰਚਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਮਰੇ? ਅਸੀਂ ਮਰੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ, ਕਿਸਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਬੜੇ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਹਿਣ 'ਤੇ? ਹੈਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੱਬ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। Diamonds so clear, shorty thought they was invisible. Pull the proof to vibe, butterflies when the money come to mind. All the money make me come.